नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी मौजूद है। आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना तहसील के बोटाटी ग्राम पंचायत में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई। जी हाँ, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई। दरअसल फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद बोटाटी के हल्का पटवारी ने बोटाटी के सरहद पर करोड़ रुपए की खेत की जमीन को किसी और की पुत्री की जमीन वाले की पुत्री बताकर फर्जी तरीके से नामांतरण करवा लिया, जिसको लेकर पीड़ित ने डेगाना थाने में मामला दर्ज भी करवाया। तो वहीं जमीन का बेचनामा दानाराम ने अपने जीवित रहते ही अपनी बहन के पुत्र रामाकिशन व उसकी पत्नी माया के नाम कर दिया था। और इस दौरान रामाकिशन ने बोटाटी हल्का पटवारी प्रदीप को 2018 में नामांतरण के लिए खेत के कागजात भी दिए थे, लेकिन पटवारी ने उस समय उसका नामांतरण नहीं किया। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान 3 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल को जब दूसरे लॉकडाउन का फेज चल रहा था, सभी सरकारी दफ्तर बंद थे, उस दौरान पटवारी प्रदीप व इंदिरा पुत्री पूना राम ने मिलकर जाली आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और पैन कार्ड बनाकर इंदिरा के पिता का नाम ही बदलवा दिया। तो वही इंदिरा देवी ने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया। और इस दौरान जब यह मामला सोशल मीडिया पर आया, तब खेत के असली मालिक रामाकिशन को इसके बारे में जानकारी मिली और तब रामाकिशन ने इंदिरा देवी व हल्का पटवारी प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो सुनील जी, एक बेहद ये चौंकाने वाला ये मामला सामने आया और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जो राशि थी वो मतलब बिल्कुल हम यूं कह सकते हैं कौड़ियों के भाव में उस जमीन को बेच दिया गया, और वो भी उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो लॉकडाउन के दौरान बनवाए गए। जी हाँ। मतलब ये बहुत ज्यादा सोचने और विचारने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये प्रशासन के ऊपर है, जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई, ये तो एक आपराधिक मामला है ही फर्जी दस्तावेज का, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध महामारी एक्ट 2020 की अगर हम बात करें तो जब सरकारी दफ्तर सब बंद है उस समय ये कागजात आखिर बने तो बने कैसे, और बने तो इस बेचारे रामाकिशन के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। सुनील जी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी विडंबना है हमारे देश के किसान के साथ कि वो किस किस से लड़े, वो अपनी फसल से लड़े, प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, बरसात से लड़े, मानसून से लड़े, या अपनी उस बेशकीमती जमीन को जिसको कि वो अपनी माँ मानता है, जिसकी जिसके लिए वो सब कुछ न्योछावर कर देता है, सब कुछ बलिदान कर देता है, उस जमीन को अपनों से बचा के रखे, अपने अपनों से बचा के रखे, दुश्मनों से बचा के रखे। देखिए जिस समय पर कोरोना से पूरा देश लड़ रहा था उस समय पर लोग इस तरह की साजिशें रच रहे थे, इस तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। एक आदमी दानाराम जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं है, जो कि जाने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जमीन अपने भांजे के नाम पे करके जाता है, क्योंकि उनकी उन्होंने अंतिम समय तक उनकी सेवा की थी, अपने भांजे के नाम करके जाता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, खरीदने वाला, जहां पे जनरली ये बात होती है कि जब भी कोई खरीदने वाला होता है तो वो जाकर पैसा देकर सबसे पहले अपनी जमीन को संभालता है, उन्होंने जमीन को नहीं संभाला, उन्होंने इस पट्टे को, अपनी चीज को सोशल मीडिया पे डाला इफेक्ट देखने के लिए कि क्या इफेक्ट होता है, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जब जमीन के मालिकों को पता चला वो जगह जगह गए, उन्होंने FIR लिखवाई और आज भी इस समय वो दर दर भटक रहे हैं कि कहीं उसे न्याय मिल सके। बिल्कुल सुनील जी, इस बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले हमारे संवाददाता दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट मामला क्या है और इस समय जो फरियादी है उसकी क्या स्थिति है और प्रशासनिक अमले ने अभी तक इस पर क्या कुछ एक्शन लिया है। दामोदर जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला पूरा नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र के बुटाटी गांव का है, जहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक गरीब परिवार के किसान का जमीन हड़प ली गई है। जो कोरोना महामारी में एक महिला ने अपने फर्जी दस्तावेज जो बुटाटी के पटवारी के साथ मिलकर दस्तावेज बना लिए और उसी जमीन को वापस कौड़ियों के दाम में बेच दिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार ने थाने में पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर उसने पीड़ित परिवार में नागौर SP एवं जिला कलेक्टर के पास भी गए, लेकिन अभी तक इनका इनके मामले में सुनवाई नहीं हुई है, इसको लेकर पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। जी दामोदर, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आपने बताया कि इंदिरा देवी नाम की किसी महिला ने अपने नाम पर वो जमीन करवा ली, पहले उन्होंने फर्जी दस्तावेज जारी किए, क्या है इंदिरा देवी, अचानक से इंदिरा देवी को कैसे लगा कि ये जमीन उनकी हो सकती है, या उन्होंने ही फर्जी दस्तावेज तैयार क्यों करवाए, किसी और ने क्यों नहीं? जी
ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार दानाराम ने बचपन में ही दानाराम की शादी हो गई थी एक महिला के साथ है, जी जो महिला दानाराम से विवाह करने के बाद उसका मुकलावे के समय उसके साथ अनबन चल रही थी जिसको लेकर वो आना नहीं चाहती थी दानाराम के साथ, लेकिन कुछ ग्रामीणों की मदद से वह एक दो बार बूटा जी आई दानाराम के साथ रही, फिर वापस चली गई और दूसरे व्यक्ति के साथ उसने शादी कर ली, जहां पर इसने एक पुत्री को जन्म दिया जो इंद्रा नाम से आज जानी जाती है, और वही इंद्रा देवी की शादी मुंगवा हुई है जहां उसके दो बच्चे भी है, पति है, यहां के राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन इंद्रा देवी को किसी के जाल में फंस कर और अपने षड्यंत्र रच कर उसे पता चला कि ये करोड़ों की जमीन है जो मेरे हो सकती है, इसको लेकर उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन फर्जी दस्तावेजों के साथ पटवारी ने भी मिलकर उसकी नामांकन भर दिया और मेटेशन भी भर दिया जी। जो मेटेशन पीड़ित परिवार ने 2018 में पटवारी को नामांकन के लिए दिया था जी। वो हुआ नहीं, लेकिन जो कोरोना महामारी काल में एक महीने में फर्जी दस्तावेज बनकर उसका नामांकन हो जाना ये बड़ी बात है कि प्रशासन क्या कर रहा था इस समय। मतलब जिस समय पर उन्हें ओरिजिनल पेपर्स दिए गए कि वो इसे अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ा लें, उसे उन्होंने रोक दिया पटवारी ने, और उसके बाद ये फर्जी दस्तावेज जब उनके पास आए तो उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से उसको उसके नाम से स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण तो कर ही दिया सुनील जी, और साथ ही साथ वो फर्जी दस्तावेज बनवाने में खुद उसने मदद की है पटवारी ने, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। अच्छा दामोदर, यहाँ पर एक बात पूछी जाए, इंदिरा देवी के जो असली जो कि फादर हैं उनका नाम क्या है और अभी इन्होंने बदलकर क्या नाम किया है? बताना चाहूंगा कि इंदिरा के जो असली फादर है वो ग्वाड़ू है या मुंडो पंचायत समिति का एक गांव जहां उनके पिता का नाम पूर्णाराम है जी। और तो उसने ये अपने जो दस्तावेज है उनमें बदलकर दानाराम कर दिया जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है, और दानाराम ने अपनी जमीन अपने भांजे के नाम वे भांजे के पत्नी के नाम कर दी थी जो जीवित रहते ही उस समय कर दी थी जी। एक और पीड़ित के रिश्तेदार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दामोदर आप बने रहिए, हम उनसे बात करते हैं रिछपाल से। जी उमंग बात कीजिए। जी रिछपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमें पता है ये एक बहुत बड़ी साजिश आप लोगों के साथ में खेली गई है, और सबसे बड़ी बात है जब खुद केंद्र सरकार राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान सभी सरकारी दफ्तर बंद करने के आदेश दिए थे और सबको बचने के लिए कह रही थी, तो उस बचने वाले समय में आपके साथ में इतनी बड़ी साजिश हो गई, और अभी तक हम आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या जवाब आपको मिला है रिछपाल जी? जी सर, हमको अभी कोई जवाब नहीं मिला बिल्कुल जी किसी प्रकार। बोल रहे हैं हमारा काम चल रहा है और हमारा काम कहीं हमको चलता नहीं दिखाई दे रहा है जी। किस प्रकार का काम चल रहा है उनका? वो जैसे जो भी कोर्ट में कार्य चल रहा है वगैरह, जो थाने में FIR दर्ज हुई है उसका जो काम चल रहा है वो धीरे चल रहा है बहुत जी। रिछपाल जी, आपने उस पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की जिसने खरीदी है, वो क्या कहते हैं? नहीं सर, हमने उनसे संपर्क किए नहीं, हमको उनसे लेना देना क्या है जी? जी। और जब आपने इसके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि सोशल मीडिया पर डाले गए, तो क्या डॉक्यूमेंट्स डाले गए, किस तरह से आपको पता कैसे चला कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है? सोशल मीडिया पर सर वो सिर्फ रजिस्ट्री की कॉपी थी जी, रजिस्ट्री की कॉपी के आधार पर हमको पता चला है कि ये जमीन बेच दी गई। चलिए उमंग, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से वहां के गांव के लोग इस मैटर के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आपको सरपंच की बात सुनाते हैं जो कि इस मैटर के बारे में बताते हैं, जो बताना चाह रहे हैं कि वो इस महिला को जानते तक नहीं है जिस महिला के नाम पर ये स्थानांतरण हुआ है। जी हाँ, एक सरपंच की बाइट हम आपको सुनाते हैं। हमने आज तक इंदिरा को नहीं तो देखा, नहीं हम उसको जानते, जो हमने उत्तराधिकारी लिखकर दिया है वो शांति देवी को दिया है, वो उत्तराधिकारी है, जमीन की मालिक है, और उसके अलावा कोई भी नहीं, ये स्पष्ट कह रहा हूँ मैं 62 साल की उम्र है हमारी, मैंने आप किराए आया नहीं अगर बाहर जाए मैं यहाँ जाए जल्दी में यहाँ का, हमें कोई को नहीं जानता। बिल्कुल सुनील जी, जिस प्रकार से खुद उस गांव के सरपंच बोल रहे हैं कि ये जमीन इंदिरा देवी के नाम पर नहीं है और इंदिरा देवी कौन है हमें नहीं पता, उसको उस गांव तक में हमने नहीं देखा है, तो उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसमें तो सुनील जी एक बहुत बड़ी बात इसमें ये लापरवाही जो इसमें दिखी है प्रशासन की, और जो राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था चुनावों के समय में किसानों की कर्ज माफी पहला मुद्दा, और भारत एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान की सरकार हम कह सकते हैं कि किसानों और बेरोजगारों के
दम पर ही आज ये सरकार बनी है कि हम किसानों के साथ में ऐसा करेंगे, बेरोजगारों के साथ में ऐसा करेंगे, उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे, हर तरह से उनकी मदद करेंगे। वही राजस्थान में ही एक किसान का परिवार आज अपनी जमीन होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और सरकार व्यस्त है तो सिर्फ राज्यसभा के। इसमें क्या है कि जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे होते हैं या जो प्रशासन की तरफ से नुमाइंदे होते हैं वो गांव में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पटवारी की। जी, वो पटवारी जो कि आपकी सारे रिकॉर्ड्स रखता है, आपकी जमीन की एक एक इंच की सारी जानकारी उसके पास होती है। ये पटवारी, जिस पटवारी की यहां बात की जा रही है, जिस पटवारी को इस खेल का सूत्रधार बताया जा रहा है, उस पटवारी से हमारे संवाददाता ने जानकारी लेने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने का कोशिश किया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया, वो सामने ही नहीं आ रहे। उस दिन के बाद से वो छुट्टी पर है। अब सामने आएंगे क्यों? वो अपना काम करके चले गए, अपना कट लेकर वो चले गए। और 2 करोड़ रुपए की जमीन, 2.5 करोड़ रुपए की जमीन इसे कहा जा रहा है, जिसे सिर्फ 20 लाख रुपए में बेच दिया गया। जी, रीछपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रीछपाल जी, ये जिस पटवारी ने ये सारा खेल रचा है, क्या उसके बारे में आपने आगे उच्च अधिकारियों को शिकायत करी? उनका क्या जवाब आपको मिला? लगता है रीछपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया। दामोदर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। दामोदर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो पटवारी था, जिस पटवारी के साथ में मिलकर उस इंदिरा देवी ने ये सारा खेल रचा, उसके खिलाफ क्या शिकायत की गई? जी, बताना चाहूंगा कि उस पटवारी के खिलाफ पीड़ित परिवार में 400 BC का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मैं वहां मौके पर पहुंचा तहकीकात करने के लिए, तब पटवारी वहां पर मौके से फरार हो गए थे और मुझे बताया कि अभी नहीं मिल सकते हैं। तो इस मामले में ऐसा लग रहा है कि पटवारी पूरी तरह से इस मामले में जाहिर है और उसने ही फर्जी दस्तावेज बनाकर इंदिरा को अपने नाम करवाया और आगे की कार्रवाई की है। जी हाँ, अगर इस तरह की बात है और पटवारी अगर ये कहते हैं कि वो सही हैं, उन्होंने सब कुछ सही किया है, तो उन्हें आना चाहिए, सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। हम किसी को बिना जाने, जब तक क्योंकि रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, परंतु हम अपील करते हैं कि अगर वो सही हैं तो वो आकर सामने अपना पक्ष रखें। और सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। जब पूरा देश और हमारे राजस्थान इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों के अंदर बंद है, ताकि वो अपनी, अपने समाज की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए वो इतने सारे जतन कर रहे हैं। उस महामारी काल के लॉकडाउन के तहत ये सारा खेल रचा गया और अब हमारी कलेक्टर साहब से भी बात करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से ये जवाब आया है कि ये मामला अभी संज्ञान में है, विचाराधीन है, इसलिए वो इस पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, लेकिन जब इस तरीके का खेल रचा जा रहा है तो कम से कम आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हैं। एक किसान जो अन्नदाता होता है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और इतना लंबा टाइम हो चुका है, अप्रैल की ये बात है। जी हाँ, वो किसान खुद नहीं है अब इस दुनिया में, वो अपनी डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ अपना नाम कर गया है अपने भांजे के नाम पे, और अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो कलेक्टर साहब आप हमसे बात मत कीजिए, पर कम से कम इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों से बात करके इन्हें सांत्वना दीजिए, और सांत्वना ही नहीं बल्कि इस पे संज्ञान लीजिए। आप इसमें जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। और इसमें ये एक तरीके से हम सुनील जी कह सकते हैं बिल्कुल पानी की तरह साफ ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि जब गांव का सरपंच खुद ये बोलने को तैयार है, जो पीड़ित परिवार है उसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पटवारी फरार है। उमंग, खाली सरपंच नहीं, पूरे गांव के लोग इनके साथ में हैं। हम आपको एक बाइट और सुनाते हैं, जो कि ग्रामीण की है, जो कि उनके पास में रहते हैं, उनकी बाइट आप सुनिए, उससे पता चलेगा आपको कि ये जमीन के बारे में वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है। ये जमीन शुरू से ही धन्ना राम जी बोते थे। धन्ना राम जी का स्वर्गवास होने के बाद में धन्ना राम जी की सिर्फ ओनली एक बहन थी, उसका नाम शांति देवी था, और वो उत्तराधिकारी शांति देवी है, और धन्ना राम जी के अपने 2 एकड़ के जमीन बेच दी, बेचानामा कर दिया, और बेचानामा करने के बाद में ये रजिस्ट्री पटवारी प्रदीप कुमार को दी थी। प्रदीप कुमार ने उस रजिस्ट्री का मेटिशन नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक दूसरी लड़की, वो ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, उसका नाम था इंदिरा देवी, वो गाड़ू गांव की थी, उसका कोई यहाँ बूटा टीम कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मिली जुली करके ये जमीन हड़पना चाहती थी, जबकि ये जमीन करोड़ों रुपया की है।
तो ये बिल्कुल जैसा कि आपने भी बताया क्रिस्टल क्लियर ये केस है, जब खुद ग्रामीण बोल रहे हैं, वहाँ गांव का सरपंच बोल रहा है कि इस नाम की स्त्री तो इस गांव में रहती ही नहीं है, तो फिर उसके नाम की जमीन यहाँ पर कहाँ से आ गई। सबसे बड़ी बात इसमें शक के घेरे में, जैसा कि आपने भी बताया, हमारे संवाददाता खुद पीड़ित के रिश्तेदार जुड़े थे, वो भी बता रहे हैं पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। अगर वो पाक साफ हो तो उसको भागने की क्या जरूरत है? सामने आए, अपना पक्ष रखें, हो सकता है कोई गलती हुई हो, उस गलती को सामने रखें। अच्छा दामोदर अगर इस समय हमारे साथ लाइन पे हैं, दामोदर सुन पा रहे हैं आप हमें? दामोदर कहां कहां इन्होंने अभी तक शिकायत की और वहां से क्या रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबसे पहले FIR कराने के लिए पुलिस थाने में जाया जाता है, वहां से क्या रेस्पॉन्स मिला इन्हें अभी तक पीड़ित परिवार को? ये बताना चाहूंगा कि पीड़ित परिवार ने सबसे पहले तो कुचेरा थाने पहुंचे, जहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई थी जी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने नागौर SP और नागौर जिला कलेक्टर के दफ्तर गए और वहां पर अपनी बात रखी, जिसको लेकर उसका मुकदमा डेगाना पुलिस थाने में दर्ज हुआ और उसकी जांच रुकाराम कर रहे हैं। अभी तक जांच केवल कागजों में ही है, अभी तक उसको लेकर कोई भी जांच नहीं हुई है। जी हाँ बिल्कुल सुनील जी, जिस प्रकार से दामोदर भी बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही जांच चल रही है, और सीधी सी बात है, मेरे को पूरा यकीन है कि वो बहाना भी इसी बात का बना रहे होंगे कि कोरोना महामारी चल रही है, सरकारी दफ्तरों में काम बंद है, अदालतें नहीं खुल रही, लोग बागवान नहीं आ रहे, इसलिए देरी इसलिए हो रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है, क्योंकि इस पर यकीन करना इतना मुश्किल है, जब सब सरकारी दफ्तर बंद थे, वो भी सरकारी आदेशों के तहत, केंद्र सरकार का आदेश था, राज्य सरकार का आदेश था, उस आदेश की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के थक गए कि लॉकडाउन है, अपने घरों में रहें, सरकारी कामकाज बंद कर दें, लेकिन कुछ ऐसे दिमाग वाले लोग होते हैं, बद दिमाग आप उनको कह सकते हैं, शैतान का, अगर उस समय खाली दिमाग था इनका। जी बिल्कुल, हमारे साथ में हमारे दर्शकों को भी बताते हैं, विधायक मिर्धा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिर्धा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। मिर्धा जी, आपके ही एरिए का ये पूरा मामला है, सुनील जी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हैं। सुनील जी नमस्कार। मिर्धा जी कैसे हैं आप? नमस्कार सुनील जी, बढ़िया एकदम। बिल्कुल बढ़िया। लॉकडाउन के बीच में फर्जीवाड़े से डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, जमीनें स्थानांतरित हो जाती है, उसमें आपकी गलती नहीं, लोग इस तरह का काम करते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है, परंतु अब क्या सांत्वना, क्या हो सकता है, इस पर क्या आप पीड़ित परिवार के लिए कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो ये मैटर बुटाटी का है जी, और काफी टाइम से, मतलब ये पुराने कोई जिनसे आपकी परिवार मैटर था, और बच्चे के टाइम जब ये छोटे थे उनकी सब शादी हुई थी, क्या बहुत पुराना लंबा मामला है जी, उस समय से ये चल रहा है। बाद में वो जब लड़की बड़ी हुई तो उसने फर्जी दस्तावेज बनवा के जी, और पटवारी और सबसे बातचीत करते थे, रजिस्ट्री कर रहे थे, तो उसकी जांच चल रही है, अभी कलेक्टर साहब को भी उसके बारे में बताया है, और ऊपर भी मंत्री महोदय बात करते हैं, इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच करवाई है। बिल्कुल विजयपाल जी, एक यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं और मेरे सहयोगी हैं, सुनील जी हैं वहाँ के हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पीड़ित परिवार खुद हमारे साथ में अभी फोन लाइन पे जुड़े थे। एक सबसे बड़ा प्रश्न मिर्धा साहब यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन के दौरान ये फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, वो भी 3 अप्रैल की ये बात है, जब दूसरा लॉकडाउन चल रहा था, सरकारी कामकाज बिल्कुल बंद थे, लोग वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे थे, उस दौरान ये दस्तावेज बनाए गए हैं, और जिस पटवारी की यहाँ पर बात हो रही है वो पटवारी फरार है। कलेक्टर साहब से हमने बात करने की कोशिश की, कलेक्टर साहब ने यह कह के टाल दिया कि मामला अभी संज्ञान में है, विचाराधीन है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों का इतना हित देखती है, आप खुद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, सब किसानों की इतनी बातें करते हैं, और आज उसी सरकार के तहत एक किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। विजयपाल जी, ये तो आपके परिवार का मैटर है सर, पहली बात तो इसमें आज ही जैसे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी तो मन चाहिए थी कि लॉकडाउन में जब लोगों को पता ही नहीं चले उस टाइम ऐसी रजिस्ट्री अपन करवा लें और लोगों के संज्ञान में नहीं आए जी, इसकी जांच चल रही है। पीड़ित जो परिवार है उससे भी मैं भी मिला हूँ, मेरे फादर भी मिले हैं उनसे 2 बार, और उनको मैं अभी भी आश्वस्त करता हूँ इसकी पूर्णतः जाँच होगी, और जो दोषी है वो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी बिल्कुल विधायक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जाहिर सी बात है आपके इतना कहने से ही उस पीड़ित परिवार को कुछ संतोष तो आया होगा कि कम से कम मेरी आवाज तो वहां तक पहुंची। परिवार से आप पूछे, वो 2 बार हमसे मिले और उनके साथ बिल्कुल हम खड़े हैं, और उनकी पूरी हम सहयोग में रहेंगे।
बिल्कुल मिर्धा साहब, आपने इतना कहा और पीड़ित परिवार को भी जरूर इस बात से कुछ तो तसल्ली मिली होगी कि अब सरकारी कानों तक भी मेरी आवाज पहुंच चुकी है। आप हमारे साथ में जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमंग, ये तो बात हुई कि हमने सरपंच से आपकी आपको उसकी सरपंच की बाइट दिखाई, उसका स्टेटमेंट आपको दिखाया, हमने रिश्तेदार का दिखाया, एक और ग्रामीण जो कि उनके पड़ोस में है उनकी भी हम आपको बात सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं जमीन के बारे में। ये जमीन धनाराम जी के नाम थी और धनाराम जी के एक बहन है, उसके अलावा धनाराम जी की कोई संतान नहीं थी। धनाराम जी जब तक जीवित थे तो वो खेती अपनी खुद करते थे। उनके बीमार होने के बाद इस खेती की देखभाल उनकी बहन कर रही थी, लेकिन पिछले साल धनाराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में एक गालू गांव की इंदिरा नाम की लड़की ने पटवारी प्रदीप के साथ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर धनाराम जी की जमीन हड़पने की नीति से यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट से पटवारी के सामने दस्तावेज पेश करके पटवारी की मिलीभगत से अपने नाम एटेशन भरवा लिया, जो सरासर गलत है। बिल्कुल, जिस प्रकार से सभी ग्रामीण ये कह रहे हैं सुनील जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति उस गांव का उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है। तो हम ठीक है, हम एक बार को हम मान ले कि हो सकता है पीड़ित परिवार के सदस्य झूठ बोल रहे हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जैसा कि विधायक महोदय ने कहा कि पारिवारिक मामला है, अगर पारिवारिक मामला है हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा गांव इसके साथ में खड़ा है। खुद सरपंच साहब कह रहे हैं कि इस लड़की को, इस इंदिरा देवी को गांव में कभी देखा नहीं गया, इसकी कोई जमीन है इस बारे में सुना नहीं गया। और उमंग, यहां पर विधायक महोदय ने भी माना है कि हां फर्जीवाड़ा तो हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुद विधायक विजयपाल मिर्धा ये मान रहे हैं कि ये फर्जीवाड़े का मामला है, और पटवारी जो प्रदीप है वो इस समय फरार है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसका पकड़ में आना बेहद जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले तो पटवारी को ही पकड़ना चाहिए, उन्हें ही बुलाना चाहिए, उनसे बुलाकर, क्योंकि सबसे मेन कड़ी इस केस की वही है जो कि बता सकते हैं। अगर पारिवारिक मामला भी है, अगर किसी प्रकार के पारिवारिक कोई मतभेद हैं तो उसमें पटवारी का तो कुछ बनता ही नहीं, उसे सामने आना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, और फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो 2 करोड़ की जमीन 20 लाख में कोई नहीं बेचता, और अगर खरीदता है, खरीदने वाला खरीदता भी है तो आकर सीधा कब्जा करता है, वो सोशल मीडिया पर रजिस्ट्री नहीं डालता। एक और बाइट मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिससे पता चले कि किस तरह से गांव वाले उनके साथ में हैं। नारा मेरे बड़ा भाई बावेट भाई थे, उसके कोई बच्ची ऐसी ही नहीं, वो झूठा दस्तावेज बना के और ये जमीन हड़पना चाहती है। उसका पिता का नाम ओरिजिनल पूर्णाराम है और वो धनाराम की झूठी पुत्री बन के जमीन का कब्जा कर रही है, और उस बच्ची का गाँव का नाम गोवाड़ है और मोंडवा उसका सासरा है, और झूठा दस्तावेज बना के वो जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। साल पहले उन्होंने पैन कार्ड बना करके बाकी डॉक्यूमेंटों में संशोधन किया, आधार कार्ड में सब में, और मुकदमा दर्ज किया डेगाना, जिसमें ये बोला कि मेरे पिता मेरी जमीन बेच रहे हैं। इसी दौरान ये विवाद चलता रहा, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में उन्होंने मुकदमा उठाया और अराई आदेश के जरिए मेटिशन चढ़ा करके थर्ड पार्टी को जमीन बेच दी, जबकि वो जमीन धनाराम जी अपने रहते हुए 2 साल पहले बेच चुका था, लेकिन उस जमीन का मेटिशन प्रदीप नाम के पटवारी ने नहीं चढ़ाया। प्रदीप और ये इंदिरा की मिली जुली साठ गांठ थी और इस जमीन की कीमत केवल 5 लाख में ही बेचान करी, जो 2 करोड़ की जमीन है। पटवारी ने कुछ मिली भगत या कुछ कारणों के कारण उनका मेट्रिस नहीं चढ़ाया। बाद में एक इंदिरा नाम की लड़की ने इनके कोर्ट में दावा किया, जिनके तमिल धनाराम जी के घर पहुंची, धनाराम जी उस समय जीवित थे। तमिल पहुंचने पर धनाराम जी, उनकी बहन शांति रामाकिशन जब डेगाना गए और उनके विपक्ष में मुकदमा दर्ज कराया, और कोर्ट में यह मुकदमा लमसम 6 महीने तक चला। बाद में लॉकडाउन कोविड-19 के कारण इंदिरा देवी ने अपना मुकदमा कोर्ट से उठा लिया और कोर्ट में बोला कि धनाराम जी और मेरे बीच में समझौता हो गया या राजीनामा हो गया। उसने इस समय बोला, उस समय धनाराम जी की मौत हो चुकी थी, उसी समय इंदिरा देवी ने झूठ बोला। इंदिरा देवी ने धनाराम जी की पुत्री नहीं होते हुए भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में किसी प्रकार से एडिटिंग करवा के पूर्णाराम के स्थान पर धनाराम नाम करवाया, और बाद में इंदिरा देवी ने पटवारी प्रदीप कुमार से मिलकर के मुकदमा उठाने के बाद में मेडिसिन चढ़वा लिया,
मेडिटेशन लॉकडाउन के अंदर 2 महीने तक चढ़ने के बाद में इंदिरा देवी ने उस जमीन को 30 रिपाल्टी जो खेतराम बिश्नोई व जगदीश बिश्नोई को बेचान कर दी। जब खेतराम बिश्नोई और जगदीश बिश्नोई ने इस रजिस्ट्री को सोशल मीडिया पर अपलोड की तब हमें मालूम हुआ कि इंदिरा देवी ने फर्जीवाड़ा करके इस जमीन को बेचान कर दिया। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर मतलब मामला इतना पेचीदा है कि आप ये देखिए कि इस पूरी जमीन का जो मैटर है वो कोर्ट तक में चला है। जी हाँ, 6 महीने तक ये मैटर पूरा चला है। उसके बाद खुद परिवादी इंदिरा देवी ने मैटर वापस ले लिया था। हाँ, एक दिन जाकर कहते हैं कि मेरा समझौता हो गया, और उसके बाद में COVID-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, इस जमीन को बेचा गया। सोशल मीडिया पे ये रजिस्ट्री डालने का एक सीधा सा यहाँ पर एक मतलब ये समझ में आता है सुनील जी मेरे हिसाब से कि जिसने ये जमीन खरीदी है हो सकता हो कि उसको भी इस पूरे मैटर का पता हो और सिर्फ जानकारी देने के लिए कि मैंने जमीन खरीद ली है। 2 करोड़ की जमीन कोई 20 लाख में खरीद रहा है तो निश्चित तौर पे उसे पता होगा चीजों का, इसीलिए उसने उसको डाला, उसका रिएक्शन देखा, ताकि जो पीड़ित परिवार है, हो सकता है कि पीड़ित परिवार को जानकारी देने के लिए उसने सोशल मीडिया पर डाला। और एक चीज और है, अगर आप इसे पारिवारिक मतभेद कह रहे हैं, इसे पारिवारिक लड़ाई कह रहे हैं, जमीन की लड़ाई कह रहे हैं, तो भी उसमें अगर जिसके नाम से जमीन है, जो मृतक है दानाराम, वो अगर इसकी रजिस्ट्री अपने भांजे के नाम से करा गया, अपनी वसीयत में लिख गया, तो भी उसके बाद किसी तीसरे का उसमें कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं निकलता, और उस चीज का मेडिटेशन नहीं होता है। और अगले दिन, कुछ दिन बाद COVID-19 आता है और उसमें इंदिरा के नाम पे जमीन स्थानांतरित कर दी जाती है। इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर सुनील जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा कि इनके रिश्तेदार ने भी बताया कि कोर्ट में इसका केस चला था, इंदिरा देवी खुद, दानाराम, उनकी बहन और रामा किशन, इन तीनों के खिलाफ इसी जमीन के लिए कोर्ट में गई थी। 6 महीने तक ये केस चला, फिर उसके बाद इंदिरा देवी ने ही ये केस वापस लिया है। इसका मतलब इंदिरा देवी उस समय ये मान चुकी थी कि ठीक है, ये जमीन आपकी है। जी हाँ, वो प्लान्ड हो, सब कुछ बिल्कुल, हाँ, पूरा मतलब प्लानिंग के साथ में। और निश्चित तौर पर इस पटवारी प्रदीप की भूमिका बेहद संदिग्ध है और इसका पकड़ में आना बहुत ज्यादा जरूरी। और जैसा कि विधायक विजयपाल मिर्धा ने भी कहा है कि वो भी इस केस पर पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं, और हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं, और न्यूज इंडिया परिवार की ओर से हम पीड़ित परिवार को भी ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि न्यूज इंडिया आपके साथ में है और आपकी हर परेशानी का हल निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक आपकी आवाज पहुंचानी होगी वहां तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। सुनील जी, जी हाँ बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर दामोदर इनानिया, हमारे संवाददाता, उससे आपके साथ लगातार बने हुए हैं, आपके इस मामले पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जहां पर भी न्यूज़ इंडिया की मदद की आपको ज़रूरत पड़ती है, जहां पर भी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, हम आपके साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस मामले में जो भी है वो बिल्कुल न्याय होना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, और हम आशा करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, अब देखने वाली बात ये होगी, जैसा कि विधायक साहब ने भी कहा है, मिर्धा जी ने कहा है कि बहुत जल्द वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से लगातार वो भी मिले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उस किसान को जो इस देश का, इस राज्य का अन्नदाता है, उस किसान के अन्न की व्यवस्था कब तक हो पाती है और वो कब सुकून से अपने घर बैठ पाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।